साल 2024 का ये तीसरा महीना है और अगले महीने से देश में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो जाएगी। जून में चुनाव के नतीजे आएंगे और नतीजे चाहे जो भी हो, कोई भी सियासी दल अपनी तैयारी में फिलहाल कोई कमी नहीं छोड़ना चाह रहा है, क्योंकि इस चुनावी समर में ताल ठोक रही एक पार्टी के सामने बड़ी मुसीबत अब खड़ी हो गई है, जिसके कि दो बड़े नेता पहले से जेल में हैं और अब तीसरे और सबसे बड़े नेता पर गिरफ्तारी की तलवार इस वक्त लटक रही है। आप समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल। भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल फूंक कर भारत की राजनीति में अपनी जगह बनाने वाले अरविंद केजरीवाल के लिए कैसे साल 2024 का चुनावी बिगुल मुसीबत लेकर आया और कैसे पूरी आम आदमी पार्टी के सामने चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा संकट खड़ा हो चुका है, पूरा मसला आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। साल चुनावी है, माहौल चुनावी है, बिगुल फूंका जा चुका है, तारीखों का ऐलान हो गया है, उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो रही है, सीट शेयरिंग पर मंथन हो रहा है, ताबड़तोड़ रैलियां और सभाएं भी हो रही हैं। लेकिन बेहद ही कम समय में सियासत की सीढ़ी पर मंजिल की तरफ चढ़ने वाले अरविंद केजरीवाल के लिए ये साल चुनौतियों से भरा साबित हो रहा है। एक के बाद एक समन, जेल में बंद दो बड़े नेता, दो बड़े घोटाले और ईडी का कसता शिकंजा, ये सभी इस ओर इशारा कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के लिए आने वाला वक्त आसान नहीं होने वाला। अरविंद केजरीवाल की पूरी सियासत ही ईमानदारी के नाम पर खड़ी हुई थी। भ्रष्टाचार के खिलाफ कभी जिस दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा आंदोलन चलाया, आज उसी दिल्ली के शराब और जल बोर्ड घोटाले की फांस अरविंद केजरीवाल से ईमानदारी के सबूत मांग रही है और अरविंद केजरीवाल जांच एजेंसियों को अपनी ईमानदारी का कागज नहीं दिखा पा रहे हैं, उल्टा एजेंसियों के समन को निराधार बताकर कागज का टुकड़ा बता रहे हैं। झूठे आरोप लगा के फर्जी समन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। इन्होंने मुझे समन भेजे हैं, मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये समन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है? ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है, मैंने बताया है कि उनके समन कैसे गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है, इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नोटिस गैर कानूनी है। ईडी की तरफ से तारीख पर तारीख दी जा रही है, समन पर समन जारी हो रहे हैं और केजरीवाल अलग अलग कारणों का हवाला देकर चुनावी रणनीति बना रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग जांच मामले में अरविंद केजरीवाल को अब तक 9 समन जारी हो चुके हैं, 21 मार्च को जांच में शामिल होने के लिए कहा गया है। अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को पहला समन भेजा गया, केजरीवाल ने इसे गैर कानूनी बताया। 21 दिसंबर दूसरा समन, केजरीवाल ने जांच को राजनीति से प्रेरित बताया। 3 जनवरी तीसरा समन, केजरीवाल ने चुनाव प्रचार से रोकने का आरोप लगाया। 18 जनवरी को जारी चौथे समन के लिए भी प्रचार से रोकने का आरोप लगाया। इसके बाद 2 फरवरी 14 फरवरी 22 फरवरी को पांचवा, छठा और सातवां समन भेजा गया। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने तीनों को गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित बताया। वहीं 4 मार्च को भेजे गए 8वें समन को गैर कानूनी तो बताया, लेकिन जवाब देने के लिए तैयार हो गए। शराब घोटाले की जांच कई दिनों से जारी है, इस मामले में पहले ही आम आदमी पार्टी के 2 नेता जेल में हैं। वहीं हाल ही में इस मामले में बीआरएस की सांसद और तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और अरविंद केजरीवाल के करीबी मनीष सिसोदिया को पिछले साल 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था।
वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद और तीसरे नंबर के नेता संजय सिंह भी 4 अक्टूबर से सलाखों के पीछे हैं। शराब घोटाला मामले में ही प्यारे सांसद के कविता को ईडी ने 15 बार को गिरफ्तार कर लिया। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। यही वजह की आम आदमी पार्टी लगातार सरकार पर चुनाव से पहले केजरीवाल को रोकने का आरोप लगा रही है। तो वहीं इसके जवाब में बीजेपी आम आदमी पार्टी की नियत पर सवाल खड़े कर रही है। कल शाम को अरविंद केजरीवाल जी को एक और समन मोदी जी की ईडी ने भेज दिया, और ना सिर्फ मोदी जी ने इस एक्साइज पॉलिसी मैटर में समन भेजा, अब शायद उन्हें लग रहा है कि उनकी जो गिरफ्तारी का मकसद है ये इस केस से पूरा ना हो, तो इसलिए उन्होंने एक और फर्जी केस में कल अरविंद केजरीवाल जी को नोटिस भेज दिया। उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े हुए किसी इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करने को कहा है। एक ऐसा केस जो आज तक हमें पता भी नहीं चला है कि इसमें जांच क्या हो रही है। इस 100% फर्जी मामले में भी कल मोदी जी की सरकार ने अरविंद केजरीवाल को समन भेज दिया। अरविंद केजरीवाल जी स्वयं इतने पढ़े लिखे हैं, उनका पूरा मंत्रिमंडल इतने पढ़े लिखे लोगों के साथ है, लेकिन ऐसा लगता है कि जब कानूनी बात आती है ना तो उनका ज्ञान जीरो है। जांच हो रही है वो शराब घोटाले की हो रही है, क्योंकि इतना संगीन आरोप है कि आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने 100 करोड़ रुपए तक के किकबैक्स लिए हैं, जो आम आदमी पार्टी की गतिविधियों के लिए ही इस्तेमाल हुआ है। जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी के सरगना माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, इसीलिए उनकी ही जवाबदेही बनती है, उनको ही जांच में जुड़कर बताना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी इतना ज्यादा करप्शन क्यों कर रही है। ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है तो आम आदमी पार्टी के सामने नेतृत्व का बड़ा